गाइस वेलकम बैक टू द फ्रेश व्लॉग। आज हम लोग केदारनाथ टच हो गए हैं, एक्चुअली कल रात को ही हो गए थे एंड रास्ते का काफ़ी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सबका हालत टाइट हो गया था और काफ़ी लेट हो गया था यहाँ आते आते और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो आज हो गया है फ्रेश मॉर्निंग और मैं आपको बताता हूँ टेंट के बाहर का व्यू कैसा है। सो गाइस ये हमारा कैंप लोकेशन है और आज मॉर्निंग का व्यू देखो यहाँ से गाइस। तो गाइस कल का ट्रैक कैसा था, मतलब मज़ा आया? बहुत मज़ा आया पर हम लोग को काफ़ी चलना पड़ा, 12 घंटे लग गए चढ़ने। 10 बजे चालू किया था और रात के 10 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग सोनप्रयाग से भी चल के आए फिर गौरीकुंड पूरा ट्रैक करते करते पहुँचे। यहाँ से मंदिर हार्डली 1.5 किलोमीटर है, हालांकि यहाँ से 200 मीटर दूरी मंदिर दिख जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो आगे का व्यू देखते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए केदारनाथ और सबका गला बैठ गया। इधर मौसम काफ़ी ख़राब है, कभी भी चेंज हो रहा है क्लाइमेट और सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी आते रहोगे तो सर्दी के कपड़े और सबसे मेन मेडिसिन लेके आना। तो अभी हमने मंगाया मैगी, फटाफट रेडी हो गए, मैगी खा के निकलेंगे सीधा दर्शन के लिए। लाइन काफ़ी है, मौसम बीच बीच में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी कड़क धूप है बट पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तक जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है ना, आगे भी ऐसे ही होगा। सो अभी हम लोग ने नाश्ता कर लिया है और हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ से और 1 किलोमीटर का वॉक होगा और फिर हम पहुँच जाएंगे मंदिर के यहाँ पे। और यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन धूप भी है और क्लाइमेट बीच बीच में तुरंत चेंज हो रहा है। यहाँ से मंदिर दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि काफ़ी छोटा सा दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट हम अभी करीब आ गए। ये है चॉपर, जो लोग चॉपर बुक कर के आएंगे उन लोगों के लिए। तो अभी हम लोग लाइन में रुके और लाइन काफ़ी लंबा है, 1.5 घंटा लगेगा शायद दर्शन होने, जब तक लाइन पे रुक रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पीछे आपके हाथ में ऐसा बैंड लगाएंगे, दिख रहा नहीं है मेरे हाथ में ऐसा बैंड, बैंड बताइए। तो ये बैंड है जो लोग लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। अभी लग रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है तो हो सकता है दर्शन जल्दी। एक्चुअली मंदिर भी बंद होने वाला है बीच में, 2 से 4 ऐसा बोल रहे, लेकिन पता नहीं वहाँ जाके पता चलेगा। सो फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए, लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ से दर्शन हो जाएगी। तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया मंदिर में एंड आपको बता नहीं सकता यार कितना अच्छा लग रहा है। जो चल के आया है वो सब का रिटर्न्स मतलब अभी समझ रहा है कि क्या है। नीचे से ऊपर आते हो काफ़ी दिक्कत हुई बट यहाँ पे आके सब भूल गए हम। अब एक बार यहाँ पे विज़िट करना चाहिए क्योंकि लाइफ में आपके काफ़ी यादगार रहेगा, ये ट्रैक भी बोल सकते हो और ये दर्शन भी बोल सकते हो। फाइनली यहाँ पे जाके आने के बाद मैंने जब मेरा फ़ोन चेक किया तो मुझे खुशखबरी भी मिली है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। इसका टाइमिंग और ये दर्शन का टाइमिंग आप बोल सकते हो कि एक अलग ही जादू था और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी हम आगे थोड़ा विज़िट करेंगे, देखेंगे और उसके बाद फिर नीचे के लिए निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। आपको मैं दिखाता हूँ,
सो दर्शन हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं भीमशेरा, विच इज़ वेरी नोन स्टोन, जो 2013 का फ्लड आया था तब ये स्टोन फ्लड के साथ आया था और बराबर मंदिर के पीछे आके रुक गया था, जिसके कारण मंदिर पूरा बच गया। ये मंदिर की बैक साइड है और यहीं पे है भीमशिला, जो एक बहुत बड़ा स्टोन है जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और ये जब 2013 का जो फ्लड आया था उस टाइम पे ये बड़ा सा भीमशिला आके यहाँ पे रुक गया था, जिसके कारण मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। ये आप कह सकते हो अपने आप में एक अलग चमत्कार ही है। सो ये है वो भीमशिला, इतना बड़ा एक स्टोन आके रुक जाना मंदिर के पीछे, मतलब चमत्कार ही होगा यार। आप देख सकते हो क्लाइमेट कितना जल्दी चेंज हो रहा है, बादल कैसे फ्लो हो रहे हैं यहाँ से वहाँ। सो बराबर मंदिर के बैक साइड जब आओगे आप, श्री आदि शंकराचार्य जी का मूर्ति है, अब वो भी एक बार देख सकते हो। गाइस आप लोगों को पता है ये छोटे छोटे पत्थर किस लिए बनाए जाते हैं? दिस इज फॉर पीस। सो अभी हमारा दर्शन पूरा हो गया है, हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं, अभी पीछे मंदिर है, जाने का मन तो नहीं है लेकिन क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और जाना पड़ेगा यहाँ से, ताकि 8 से 9 घंटे का ट्रैक है डाउनहिल, तो जितने जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी बेस पे पहुँचेंगे और फिर वहाँ से नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो केदारनाथ को यहाँ से सी ऑफ है, देख सकते हो अभी कितना भीड़ हो गया है। एंड अभी जो लोग दर्शन करेंगे उनको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टे करना ही होगा, शाम को 4 बजे के बाद, 7 बजे काफ़ी टेम्परेचर डाउन होता है। नीचे उतरने से अच्छा यही है कि आप लोग यहीं पे स्टे करिए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 5-5 मिनट में चॉपर आ रहे थे, हाली में पूरा क्राउड होने के कारण अभी चॉपर्स नहीं चल रहे हैं, तो ये सब थोड़े बहुत डिसएडवांटेज है, बट आप अगर चॉपर से आना चाहते हो तो आ सकते हो, बट अभी तो बंद हो गया फिलहाल। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं केदारनाथ से, पूरा बैग लोड कर लिया है और यहाँ पे हमारा एक दोस्त भी हुआ है, अक्की है इसका नाम, उसके यहाँ की टेंट की सर्विस भी अलग अलग, और वहीं पे कैंपिंग किया था हमने, तो हम लोग आपको बता देंगे, वहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हो, स्टे कर सकते हो। सो अभी हम लोग यहाँ से घोड़ा पड़ाव जा रहे हैं, घोड़ा पड़ाव के यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ तो घोड़े अलाउड है, तो यहाँ पे हमारा जो दोस्त बना है वो शॉर्टकट रास्ते से हमें लेके जा रहा है, तो हम वहीं से धीरे धीरे करके निकलेंगे और आज नीचे उतरेंगे, 9-10 बज जाएगा मोस्टली, पर नीचे आज कैसे भी उतरना है। हम निकल रहे हैं और वापस से मौसम ठीक हो रहा है, बादल खुलने लगे, तो यहाँ पे केदार घाटी का यही है कि कभी भी मौसम चेंज होते रहता है क्योंकि एकदम हाई ऑल्टीट्यूड में। और ये सब आप देखोगे तो यहाँ पे सब एवरेस्ट है, जो एवरेस्ट नहीं, ये सब आप देखोगे तो ये बर्फ़ के पहाड़ है जो अभी बादल से ढक चुके हैं, अब धीरे धीरे यहाँ का बादल उस तरफ जाने लगा है, तो घाटी में जो बारिश होने की चांसेस थी वो कम हो गई अभी, बट पहाड़ों में कुछ कह नहीं सकते, कभी भी बारिश गिरता है, कभी भी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी धूप निकल जाता है, क्लाइमेट यहाँ का काफ़ी डायनामिक है, बट एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम रुकते थे लेकिन हमारा शेड्यूल थोड़ा अलग है, हमें आगे भी जाना है, तो हम अभी फटाफट डाउनहिल करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीचे जाने देखेंगे।
सो गाइस जब फ्लड आया था तो ये वो साइड से पहले रास्ते थे जहाँ पे लाइन दिख रहा है उतने ऊपर तक पानी आया था और पूरा लैंडस्लाइड हो गया था। ये साइड से फिर रास्ते बनाए जो मंदिर तक जाता है। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, एक हॉल्ट है छोटा सा 2 मिनट का, उसके बाद वापस से डाउनहिल करेंगे। तो हर एक एक किलोमीटर में थोड़ा हॉल्ट लेके नीचे उतरना है, पर जल्दी उतरेंगे। देख के लग रहा नहीं है लेकिन कर लेंगे ना। यस मैन। सो गाइस शॉर्टकट रास्ता बेसिकली ऐसा दिखता है, यहाँ पे खाई है तो आप एकदम आ रहे हो तो भी एकदम लेफ्ट से चलना एक्सट्रीम। इससे अच्छा आप नॉर्मल रास्ता ले सकते हो तो वो लेना, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ से ही जाना। लेकिन मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ और काफ़ी संभल के जा रहा हूँ लेफ्ट साइड से, क्योंकि राइट साइड में डायरेक्ट खाई है। सो या इधर आप वो रास्ता ले सकते हो जो जा रहा है, या शॉर्टकट लेके निकल सकते हो, बट संभाल के जाना। फाइनली अभी हम लोग गौरीकुंड पहुँच रहे हैं एंड ये आप रिवर देख सकते हो नीचे से जा रही है। ये केदारनाथ टेंपल के यहाँ से आने वाली रिवर है और यहाँ से आधा और सफ़र है, जितना ऊपर से नीचे है उतना ही नीचे है। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि रात में भी यहाँ पे लाइट लगा है, तो आप रात को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो मंदिर के टूवर्ड्स या डाउनहिल जैसा आपको है। लेकिन मैं ये आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, जब भी ऊपर जा रहे हो ऐसा ट्रैक स्टार्ट करो कि आप रात को 6 बजे के बाद वहाँ ना पहुँचे, शाम के 6 बजे के बाद। क्योंकि 6 बजे के बाद अगर आप पहुँचोगे तो वहाँ पे काफ़ी ठंड है, होटल ढूँढना, ये ढूँढना, वो ढूँढना होगा, और प्लस जब आप थक जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप 5,000 की रूम भी आपको ले ही लेने पड़ेगी। लेकिन अगर आप जल्दी पहुँचोगे तो आपके पास बहुत सारे टाइम है जहाँ पर आप बार्गेन कर सकते हो अलग अलग लोगों के साथ, और आपको टेंट या बाकी सब मिल जाएगा। होटल टाइप्स लेने के लिए आपको प्री बुकिंग करनी होगी। टेंट्स तो हालांकि आप यहाँ पे भी आके आपको मिल जाएगा, 500-600 लेते हैं पर पर्सन, तो वो बेस्ट है। एंड रात को भी आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन मैं रात को ट्रैक इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि जब ठंड ज़्यादा रहती है और ये काफ़ी ऊपर है, अगर आप चलते रहोगे तो आपके बॉडी में हीट जनरेट होती रहती है, जिसके कारण आप सर्वाइव कर सकते हो काफ़ी अच्छा। कम लाइनर्स या एक सादे जैकेट पे भी आप चढ़ लोगे, बट ज़्यादा होल्ड मत लेना, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कूल हो गया तो फिर आपको ठंड लगेगी। लेकिन बाकी तो आप रात को भी वॉकिंग कर सकते हो, और रात को वॉकिंग किए तो सबसे बेस्ट ये है कि आप रात भर वॉकिंग करके सुबह 6 बजे पहुँचो यहाँ पे। 6 बजे पहुँचने के बाद लाइन पे लग जाओ, दर्शन करो। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डाउनहिल कर सकते हो, या तो आप वहीं स्टे करके दूसरे दिन निकल सकते हो। बट शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल भी वहाँ पे पहुँचने वाला आइडिया जो आप जनरेट करोगे, सुबह 10 बजे 11 बजे सोनप्रयाग पहुँच रहे हो और वहाँ से तुम ऊपर चढ़ने चालू करोगे क्योंकि काफ़ी टाइम है, तो ये काफ़ी गलत डिसीजन है, ये बिल्कुल मत करना। फाइनली वी आर रीचिंग गौरीकुंड। यहाँ से और 5 किलोमीटर का ट्रैक है टू सोनप्रयाग, जो हम लोग शायद से पैदल ही करने वाले, क्योंकि अगर जीप के लिए रुके तो बहुत टाइम हो जाएगा, हमें जीप के लिए रुकना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकलने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी आगे जाते हैं। 2 जन हम लोग से पहले आगे, हम 2 जन पीछे चल रहे थे। सो गाइज आफ्टर इतना चल के हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। अभी यहाँ से जाना है सोनप्रयाग, बट उसके बीच में हम लोग ने एक ब्रेक लिया है, थोड़ा सा डिनर करेंगे
हालांकि यहाँ पे इतना कुछ अच्छा मिल रहा नहीं है, तो हम लोग मैगी से ही सर्वाइवल और एक पराठा खाएंगे। एंड सोनप्रयाग जाके सबसे पहला रूम ढूंढना है और आज वहीं पे हमारा स्टे होगा और उसके बाद कल हम लोग चोपटा के लिए निकलेंगे। बट देखते हैं, डिपेंड करता है कि हेल्थ कैसा है। अभी तक तो सब फिट एंड फाइन है, लेकिन अभी इतने चल के आए तो कल का पता नहीं, तो लेट्स सी टुमारो। अभी पहले फटाफट खा लेते हैं और यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोनप्रयाग पहुँचते एंड उसके बाद डिसाइड करते आगे का प्लान। काफ़ी थक गया हूँ लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इतना ऊपर जाके नीचे आया हूँ एंड अभी भी मतलब हिम्मत नहीं छोड़ा है। हम लोग अभी भी यहाँ से बस स्टैंड से बस मिलती है लेकिन बस के लिए काफ़ी लाइन है, बट सब लड़के लोग ने डिसाइड किया कि 5 किलोमीटर चल के ही जाएंगे, तो देखते अभी होता क्या, इसलिए थोड़ा खा रहे रास्ते में ताकि भूख ना लगे। एंड ऐसे तो 5 किलोमीटर बहुत नज़दीक होता है अपने मुंबई जैसे जगहों पर, बट पहाड़ों का 5 किलोमीटर एकदम अलग ही लेवल का होता है। अगर कभी किसी ने किया होगा तो उनको समझेगा, अगर नहीं किया तो डू ट्राई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइफ में एक बार तो ऐसा मेमोरी रहना ही चाहिए कि आपको वो दिन याद रहे, जो ये दिन हम लोग को बहुत अच्छे से याद रहने वाला है, हम लोग ने क्या क्या किया है कि नहीं। यस मैन, भाई अभी से ही रेडी है। यू कैन बी लिमिटलेस इफ यू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। यस ब्रो, यस। तो हम लोग खाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी जस्ट हमारा खाके हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं नीचे के लिए। तो ये है जीप लाइन जो कि हम अवॉइड कर रहे हैं और बाय वॉक नीचे तक जाएंगे, क्योंकि इतने भीड़ में रुक के और फिर बाद में गाड़ी मिलके नीचे जाने से अच्छा हम लोग पहुंच जाएंगे तब तक। सो फाइनली जहां से हम लोग ने फूड ट्रक चालू किया था, हम लोग वो बोर्ड के यहां पे पहुंच गए। सो यहां से दिल्ली, हरिद्वार और ऋषिकेश का किलोमीटर्स बता रहे हैं एंड यहां से सोनप्रयाग आएगे 5 किलोमीटर से, जो बाई वॉक करेंगे हम लोग एंड उसके बाद होटल लेके आज वहीं पर स्टे करेंगे। सो गाइस, एकदम अनएक्सपेक्टेड थिंग हुआ है। अभी हम लोग गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए बाइक वॉक कर रहे थे एंड बाइक वॉक आते आते क्या हुआ कि जो बस सर्विस चलती है उसमें से एक बस ने यूटर्न मारा और उसने आधी सवारी बिठा ली थी और उसे और 4 जन चाहिए थे, तो 100 रुपया पर पर्सन के हिसाब से उसने लिया सबसे। एंड हालाँकि ऑफिशियली जाओगे तो काफ़ी चीप है, लेकिन हम लोगों को आधे रास्ते मतलब बस स्टैंड से ऑलमोस्ट 50 मीटर्स आगे वो बंदे ने यूटर्न मारा और बोला बैठ जाओ, और हम लोग बैठ गए और अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में। 5 मिनट में पहुंच गए, 5 किलोमीटर का रास्ता था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी फटाफट जाएंगे, रूम ढूंढेंगे एंड आज सिर्फ सो जाना है यार, मतलब और ताकत नहीं है, अब सो जाना है बस। तो फाइनली हम लोग इतने वॉक करके आने के बाद हमें रूम मिल गया है सीतापुर में और यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। कल मॉर्निंग ही चेकआउट करेंगे और चोपटा के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हो ठंडी के कारण कैसे मेरे स्किन पूरी रेडिश हो गई है ठंडी के कारण, अभी एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएगा, देखते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग चोपटा जाने वाले हैं कल, और कल और मज़ा आएगा क्योंकि कल है नेक्स्ट लेवल ट्रिप, क्योंकि हम जा रहे हैं तुंगनाथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।